शिवराज सरकार में पुनः माननीय गोपाल भार्गव जी और माननीय भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य अभय दरे, पूर्व महापौर एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता सागर। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें विधायक गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। वहीं गोविंद सिंह पहले से ही सरकार में मंत्री हैं। अब सागर जिले से 3 मंत्री हो गए हैं, लेकिन सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को मंत्री नहीं बनाए जाने से उनके समर्थकों में खासी नाराजगी है। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। हालांकि शैलेंद्र जैन का कहना है कि उसमें कई सारे गैर राजनीतिक थे। वहीं देखा जाए तो खुद शैलेंद्र जैन भी इस बात से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दबे स्वर में इस बात का जिक्र भी किया है। उनके मुताबिक सागर संभागीय मुख्यालय है और यहां पिछले करीब 30 सालों से सांसद, विधायक और महापौर भाजपा के ही बनते आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहां से कोई मंत्री नहीं बना है, जो कि चिंता का विषय है। उसमें हमारे समर्थकों की संख्या ही हो सकती है, बाकी बहुत सारे लोग नॉन पॉलिटिकल, मुझे जो वीडियो मैंने देखा, बहुत सारे लोग नॉन पॉलिटिकल थे। उनका मुख्य जो उद्देश्य था ये था कि लगभग 30-35 वर्ष हो गए सागर नगर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पिछली बार कांग्रेस रिजिम में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सम्मानी प्रकाश जैन जी को ये अवसर मिला था। तो ये चूँकि बुंदेलखंड का हृदय स्थल है, बुंदेलखंड का मुख्यालय है, और ऐसे समय में जबकि लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक चुनते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर हैं, तो मतलब कुल मिला के सारा का सारा बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल भाजपामय है। ऐसे में यहाँ के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न मिलना निश्चित रूप से चिंता का कारण है, और उस प्रतिनिधित्व न मिल पाने की वजह से नगर का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो विकास की गति भी धीमी है। तो लोगों की एक स्वाभाविक अपेक्षा थी इस बार शायद हमारे सागर नगर को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और नहीं मिल पाने से एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अब उन्हें लगा कि नहीं मिलना, या उनकी अपेक्षा रही होगी कि इस बार मिल जाएगा, नहीं हुआ तो इस तरह का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये विरोध कोई पार्टी के प्रति नहीं है, ये उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए ये संभवतः ये कृत्य किया है। तो मैं हालांकि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन करने के बहुत पक्ष में नहीं होता हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। शिवराज सरकार में पुनः माननीय गोपाल भार्गव जी और माननीय भूपेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य अभय दरे, पूर्व महापौर एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता सागर।